क्या आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस मेट्रो में हथियार ले जा सकती है या नहीं? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं या यात्रा करते हैं। मैं हूं अंकित कौशिक और आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाली एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 83,762, जो इसे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स बना देती है। दिल्ली के ट्रैफिक की बात करें तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली दुनिया का 44th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है। यहां 10 किलोमीटर कवर करने के लिए ऑन एन एवरेज 21 मिनट 40 सेकंड लगते हैं और वर्स्ट रश आवर में तो ये टाइम बढ़कर 28 मिनट 10 सेकंड तक हो जाता है। दिल्ली मेट्रो ने इस ट्रैफिक कंजेक्शन प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व किया है। 2002 में अपने इनॉग्रेशन के बाद से दिल्ली मेट्रो को कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड किया गया है। आज ही मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम NCR में दिल्ली और एडजॉइनिंग सैटेलाइट सिटीज जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ में सर्व कर रही है। 20 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, जिसके चलते ये इंडिया का लार्जेस्ट, बिजिएस्ट बट मोस्ट इफेक्टिव मेट्रो रेल सिस्टम बन गया है। पर दिल्ली पुलिस का क्या? क्या दिल्ली पुलिस कम्यूटेशन के लिए मेट्रो का यूज करती है? क्या दिल्ली पुलिस के पर्सनल को अपने साथ मेट्रो में सर्विस पिस्तौल या राइफल ले जाना अलाउड है? देखिए, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है जो दिल्ली मेट्रो को ऑपरेट करती है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहां पे भी साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो में किसी भी फायर आर्म को कैरी करना प्रोहिबिटेड है और ये रूल दिल्ली पुलिस के लिए भी लागू है। वहीं अगर आप एयरपोर्ट में वेपन कैरी करना चाहते हो तो आपको बस एयरलाइंस कुछ फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद आप अपना वेपन कैरी कर सकते हैं। पर दिल्ली मेट्रो के केस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में जैसे क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस एजेंसीज को वेपन्स कैरी करने की परमिशन मिल जाती है, पर दिल्ली पुलिस के पर्सनल को वेपन कैरी करने की परमिशन नहीं है। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने DMRC और CISF के सामने एक प्रपोजल रखा कि हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने की परमिशन दी जाए, ताकि ट्रैफिक जाम्स को अवॉइड करते हुए हम स्पॉट पर जल्दी पहुंच सके। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि CISF वही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो सिक्योरिटी चेक के लिए मेट्रो स्टेशन पर डिप्लॉयड होती है। 16 अप्रैल 2024 को दिल्ली पुलिस, DMRC, CISF और बाकी के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच एक मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को DMRC से क्राइसिस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के दौरान मेट्रो में वेपन के साथ ट्रेवल करने का अप्रूवल मिल गया है। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर के अकॉर्डिंग इसको लेकर सभी SOPs को भी फाइनल कर दिया गया है और अगर ये पॉसिबल हो पाए तो इसे दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट भी कर दिया होगा। यानी अब अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको दिल्ली पुलिस के पर्सनल भी ऑन ड्यूटी देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल आता है कि मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए क्या दिल्ली पुलिस को पे करना होगा? काफी सालों से दिल्ली पुलिस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी DTC बसेस में फ्री में ट्रेवल कर रही थी, जिसके बाद 2012 में DTC ने डिप्टी होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली को रिक्वेस्ट किया कि हम दिल्ली पुलिस को बिना स्पॉट पेमेंट के ट्रेवल करने की फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं, पर उसके बदले में दिल्ली पुलिस को मंथली पास की कॉस्ट रिम्बर्स करनी होगी, जो उस समय ₹800 पर पर्सन थी। और अगर किसी भी यूनिफॉर्म्ड या नॉन यूनिफॉर्म पुलिस पर्सनल के पास ये मंथली पास ना हो तो उसे टिकट खरीदनी होगी। और शायद पास्ट में हुए इस केस को देखते हुए ही DMRC ने ये साफ कर दिया है कि पुलिस पर्सनल की मेट्रो में जर्नी पेमेंट बेसिस पर ही होगी और मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हर एक पर्सनल को यूनिफॉर्म में होना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि दिल्ली पुलिस के पर्सनल का ग्रुप बिना किसी टोकन के ट्रेवल कर सकता है, पर इसके लिए जर्नी से पहले ही पर्सनल के इंचार्ज या हेड को DMRC के साथ ट्रैवलिंग रीजन और पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी होगी। इतना ही नहीं, DMRC जरूरत पड़ने पर या सिचुएशन के हिसाब से दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड कोच भी प्रोवाइड कर सकती है। यानी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो DMRC कुछ कोचेस को सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए रिजर्व कर सकती है। इस प्लान के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स को ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उन्हें मेट्रो स्टेशन से स्पॉट तक पहुंचने के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री पर्सनल को भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी अगर उन्हें इमरजेंसी के दौरान नेशनल कैपिटल में डिप्लॉय किया जाता है। आपको क्या लगता है DMRC के इस हिस्टोरिक मूव के क्या एडवांटेजेस और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।